तो नमस्कार, यह एक टिटनेस का मंकी में टिटनेस का केस जो है जंगल विभाग के द्वारा लाया गया है। जैसा कि ये लकड़ी के समान एकदम से टाइट हो गया है, इस एकदम जैसा भी उल्टे पड़ते हैं तो कुछ नहीं होता, तो इसको हम लाकजा की जैसा कि हम वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों जबड़े लाख हो चुके हैं, नहीं खुल रहे हैं, और धनुष टंकार रोग भी इसको कहते हैं, इसको चांदनी रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग होता है जो प्लास्टिडियम किटेनी नामक बैक्टीरिया की टॉक्सिन रिलीज करने के कारण होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र जो है अधिक उत्तेजना के कारण मांसपेशियों में बार बार अधिक सिकुड़न पशु की मौत भी हो जाती है, तो इस वजह से इसे धनुष टंकार या चांदनी रोग कहा जाता है। अधिकतम इसमें 80-100% पशुओं की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें जो है इसमें इन्फेक्शन किस रास्ते से विभिन्न जानवरों में फैलता है, तो इसमें जो है पूंछ के नीचे जहाँ से ये गद्दी से बैठता है मंकी, अगर वहाँ पे घाव हो जाता है तो यह किसी भी लोहे के तार पे या कहीं भी ऑब्जेक्ट पे जब बैठता है, जैसा कि पूंछ के नीचे घाव दिख रहा है, तो उससे यह इन्फेक्शन जो है टिटनेस का इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन हम और भी पालतू जानवरों में जैसे घोड़े में खुरों व पैरों से के जरिए जो है जो घाव होता है उसके जरिए टिटनेस फैलता है। गाय में ब्याने के बाद वेजाइना मार्ग द्वारा जाता है, चूँकि उसमें खुला हुआ होता है। बछड़ा या बकरे में ओपन मेथड से जब कैस्ट्रेशन किया जाता है तो अधिकांश उसके द्वारा जो है ये टिटनेस का इन्फेक्शन फैलता है, और बछड़ा बछड़ी में नावल इन्फेक्शन द्वारा फैलता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, खुला रह जाता है तो उसके द्वारा होता है, तो ये मोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर हम लक्षण की बात करें तो शुरू में जबड़े मैंडिबल में अकड़न स्टिफनेस आती है, और उसके बाद प्रोलैप्स या थर्ड आई मेम्ब्रेन निक्टिटेटिंग गुलाबी रंग की या झिल्ली आँख की आधी गोलाई तक फैली हुई रहती है, और रोग की गंभीरता जो है इस बात पर निर्भर करती है कि वह जानवर चौड़ा कर मतलब एनिमल चारों पैरों को अधिक जो है चौड़ा रख कर खड़ा रहता है, या सिर व गर्दन भी तनी हुई अवस्था में रहती है, ऐसा लगता है कि मानो काट का घोड़ा हो, तो इस तरह से ये हो। और इसमें जो है चेहरे की मांसपेशियों में तनाव के कारण घोड़े का मुंह जो अधिक उत्सुक व टिटनेस की अवस्था में चेहरे की मांसपेशियों में तनाव के कारण जो है घोड़े का मुंह या कोई अन्य जानवर हो उस तरह समय ऐसा दिखाई देता है कि जैसे एकदम अलर्ट पोजीशन में हो, और कान सीधे खड़े रहते हैं तथा पूंछ भी सीधी तनी हुई रहती है, नथुने फैल जाते हैं तथा मुंह चलना बंद हो जाता है, वो मुंह को चला नहीं पाता है, चलाता भी है तो बहुत थोड़ा सा चलाने की कोशिश करता है, आहार को मुंह में लेना या चबाने की में असंभव हो जाता है क्योंकि उसका लॉक जा हो जाता है, जबड़ा लॉक हो जाता है, तो इस वजह से मुँह से कोई चीज निकल नहीं पाता। और जैसे कि हम ये वीडियो में दिखा रहे हैं, उठा कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे काठ का बंदर हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा, एकदम लकड़ी के समान है, तो ये भी लक्षण होता है। और जैसे भी हाइपरस्थीसिया की कंडीशन होती है, जैसे ही अपन छूते हैं तो ये हल्का सा चौंकता है, तो ये भी एक लक्षण होता है। और इसमें पिस्थोटोनस की कंडीशन होती है, यानी कि धनुष के आकार का बन जाता है, और मांसपेशियों के अधिक सिकुड़ने के कॉन्ट्रैक्शन व एक्साइटमेंट के कारण भी शरीर से जैसे घोड़े के कंडीशन में खूब पसीना आता है, तो ये भी एक लक्षण देखने को मिलता है। इसका टेम्परेचर जो है सब नॉर्मल रहता है, और इसमें टिटैनिक स्पाज्म ऐंठन जैसा कि देखने को मिलता ही है, जैसा कि बंदर को हम घुमा फिरा के देख रहे हैं, पैर एकदम से स्ट्रेच पोजीशन में रहता है, गर्दन एकदम पीछे की तरफ खींची हुई जैसा कि इसमें लक्षण में दिखाई दे रहा है, तो ये रहता है। और इसका अंत में क्या होता है कि तेज ऐंठन
होती है और सांस लेने में भारी तकलीफ होती है, तो एक्सफिक्सिया के कारण 3 से 10 दिन के अंदर जो है जानवर की मौत हो जाती है। तो हम जो है इस देखिए बार बार इसको घुमा फिरा के पूरा शरीर कोई भी मूवमेंट नहीं है, जबकि ये पीछे अकड़ता ही चला जा रहा है। और हम बराबर एग्जामिन करके इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एकदम लकड़ी के जैसा दिखाई दे रहा है। जब हम टिटनेस का इलाज करते हैं तो इसमें मोटे तौर पे मुख्य 5 बातों का हम विशेष ध्यान देते हैं। टिटनेस बैक्टीरिया की बड़ी संख्या को हमें नष्ट करना होता है एंटीबायोटिक की सहायता से। बैक्टीरिया के टॉक्सिन को जो बेअसर करना है एंटीटॉक्साइड देना पड़ता है। फिर अकड़ी हुई मांसपेशियों को रिलैक्स करना ताकि सांस नहीं रुक सके और यह तत्काल कोलैप्स न करे, तो मसल रिलैक्सेंट देते हैं। उसके बाद घाव का इलाज करते हैं, जहाँ पे घाव होता है जैसे इस केस में पूंछ के नीचे जहाँ पे बंदर गद्दी की सहायता से बैठता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वहाँ पे घाव हुआ था तो उसके द्वारा इसने जो है टिटनेस का इन्फेक्शन अपने अंदर लिया है, तो उसको भी हम क्या करते हैं घाव का जहाँ पे बैक्टीरिया प्रवेश करता है वृद्धि करते हैं एंटीसेप्टिक लोशन के द्वारा, इसका जो है ड्रेसिंग प्रॉपर करते हैं। और पशु का उचित रख रखाव एनीमा कैथेटराइजेशन बेडिंग सॉफ्ट बेडिंग का करते हैं और जल्दी डायग्नोसिस कर जल्दी इलाज भी करना बहुत अति आवश्यकता है। इसमें एंटीबायोटिक हम पेंसिलिन या प्रोकेन पेंसिलिन लॉन्ग एक्टिंग पेंसिलिन भी इसमें ही एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन आप टॉक्सिन जो भी टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करने के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टिटनेस एंटी टॉक्सिन जो कि क्यूरेटिव की तरह भी उपयोग होता है और प्रोफाइलेक्टिक की तरह भी उपयोग होता है उसका प्रयोग करते हैं और टीटी का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो ओनली प्रोफाइलेक्टिक ही उपयोग किया जाता है। तो इसलिए हम टिटनेस एंटीटॉक्साइड का प्रयोग करते हैं। मसल रिलैक्सेंट में हम डाइजीपाम दे सकते हैं, इंजेक्शन क्लोरपोमाजीन दे सकते हैं और इसमें घाव को हाइड्रोजन परऑक्साइड या KMN4 जैसा कि एंटीसेप्टिक लोशन बताया था उससे प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे। और इसमें हम फ्लूड थेरेपी नॉर्मल सेलाइन या लिंगल रेक्टेट देते हैं। इसको अंधेरे में रखा जाता है, छाया में रखा जाता है, प्रकाश की रोशनी से दूर रखा जाता है। और कैथेटराइजेशन नर्व मादा एनिमल को कैथेटराइजेशन द्वारा यूरिन बाहर निकाल